अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिज़ाइन करने वाले हैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके लिए मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। वो एक डिज़ाइनर एंड डेवलपर हैं और उनका मैं पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा हूँ। तो उसका फाइनल लुक क्या निकलेगा, चले लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि किस तरह की एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आएगा इस लेक्चर के एंड के ऊपर, और किस तरह की वेबसाइट आप बनाने के काबिल हो जाओगे इस कंप्लीट लेक्चर के एंड तक। तो जी हाँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह का कुछ होम पेज निकल के आएगा। यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे हमारे सोशल मीडियाज होंगे, यहाँ पे कुछ स्टैट्स होंगे, यहाँ पे कॉल टू एक्शन है लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे कुछ सर्विसेज का सेक्शन है जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ हमारे स्किल्स एंड एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से कुछ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारा कुछ पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो वर्क, और यहाँ पे हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, एंड यहाँ पे हमारा ब्लॉग सेक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे ये फुटर आ जाएगा। तो ये एक होम पेज हम सेटअप करेंगे, उसके साथ साथ हम पोर्टफोलियो का पेज सेटअप करेंगे, उसके साथ अबाउट, अबाउट के साथ साथ हम यहाँ पे सर्विसेज का सेक्शन ऑफर करेंगे। तो ये वेबसाइट बनने वाली है पोर्टफोलियो, तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। तो एज यू नो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। तो चले सबसे पहले हम एक डोमेन और होस्टिंग बाय कर लेते हैं। तो हम चलते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। अगर आप इससे होस्टिंग बाय करेंगे तो 72% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आपको .com डोमेन जो है वो फ्री मिलेगी फॉर 1 ईयर। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारी होस्टिंग कंपनी के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्लान्स सामने आ गए हैं, तो आप बेसिक प्लान चूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक वेबसाइट ही होस्ट करनी है, अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला प्लस प्लान चूज कर सकते हैं। बट राइट नाउ मेरे रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, डोमेन जो है वो चूज करते हैं। अगर ये अवेलेबल है तो फॉर्चुनेटली ये अवेलेबल है हमारे पास डोमेन, और हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं कुछ नाम दे दूंगा, ओके जी। तो ये डिटेल्स हमने फिल आउट कर ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। सिंपल इनको हमने अनचेक कर देना है, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और टोटल आपका बिल $35 के अंदर 1 ईयर के लिए होस्टिंग, और जिसके साथ जो डोमेन है, यहाँ पे देखें .com डोमेन, वो कम्प्लीटली फ्री मिलेगी, और SSL भी फ्री मिलेगा फॉर 1 ईयर। तो ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद अब हमें यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी है, जो कि मैं क्विकली डाल लेता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे हमने कार्ड नंबर एंटर कर दिया, और सिंपल मैं इस पर सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, और मेरी जो होस्टिंग है वो सक्सेसफुली परचेज हो जाएगी अगर मेरे कार्ड में इनफ बैलेंस हुआ तो। ओके, यहाँ पे हमारी जो डोमेन है और होस्टिंग वो सक्सेसफुली परचेज हो चुकी है, और सिंपल अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर। जैसे क्रिएट अकाउंट पे ऊपर क्लिक किया, हमें यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है, जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट का पासवर्ड है वो क्रिएटेड हो चुका है सक्सेसफुली, और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे। सिंपल हम क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। सिंपल यहाँ से हम पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लेंगे, इसको अगेन स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे, और हम आ चुके हैं यहाँ पे, और इसको भी हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली। अब आप अपने वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन इनटू वर्डप्रेस। सिंपल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, और मैं ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा। तो चले इसको हम इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं, इसको हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने
अपनी वेबसाइट और डोमेन, अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन एंड होस्टिंग बाय की है, अब उसके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सिंपल अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स के अंदर जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएंगे और जहाँ पे जो भी प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनको हम क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देंगे। तो मैं क्विकली उनको डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हमें कुछ और प्लगइन्स यहाँ पे और थीम्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो ये मैंने डिलीट कर दिए सक्सेसफुली। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं थीम्स के अंदर और यहाँ पे हमें एक थीम रिक्वायर्ड होगा जिसका नाम है हेलो एलिमेंटर। सिंपल मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल ये हेलो एलिमेंटर नजर आ रहा है, अदरवाइज यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखें एलिमेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि इस थीम के साथ रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं एक्टिवेट प्लगइन किया मैंने। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसको वापस इस फालतू यूआरएल को रिमूव करके एंटर करूंगा और यहाँ पे हम वापस जो है अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। प्लगइन्स में आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन है इन्वेटो का, सिंपल हमें उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट। ओके, यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें हो चुकी हैं। उसके बाद मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है, इंस्टॉल्ड किट्स में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल किट है वो ये है, इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा। ये किट मैं आपको इस लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो सिंपल ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, यहाँ पे जैसे ये इंस्टॉल हो चुकी है हमारे पास किट, अब यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा इंस्टॉल रिक्वायरमेंट, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें हमें ये वाले रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें ये इंस्टॉल और सक्सेस होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, अब हमें कोई भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, क्विकली कुछ पेजेस जो है वो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हमारे पास होम पेज, अबाउट, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट का होगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहला पेज हमारे पास होम, इसको मैंने पब्लिश किया। सेकंड हम यहाँ पे अबाउट का और इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर लेता हूँ। थर्डली यहाँ पे पोर्टफोलियो, इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज का मेरे ख्याल से पेज होना चाहिए, तो ये भी मैंने पब्लिश कर चुका हूँ। तो ये पेजेस हमने पब्लिश करने थे। अब मैं जाता हूँ वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, इनको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास पेजेस जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे दो एक्स्ट्रा पेजेस हैं, इनको मैं मूव टू ट्रैश कर देता हूँ क्विकली। ओके, अब ये हमारे पास पेजेस हैं जिनको हमने डिज़ाइन करना है। सिंपल आपने सबसे पहले हम होम पेज को डिज़ाइन करेंगे, इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर, सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास हमारी जो किट है वहाँ से हमने होम पेज का डिज़ाइन यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके जी, तो ये हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर का इंटरफेस ओपन हो चुका है। सिंपल यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, हाइट टाइटल करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एलिमेंटर फुल विड्थ और उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो हमने किट इंस्टॉल की थी वो यहाँ पे नज़र आ गई। सबसे पहले हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं इसको, बट फॉर दिस टेम्पलेट। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंटर प्रो भी हमें रिक्वायर्ड है, वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे वापस प्लगइन्स में आता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन और यहाँ पे मैं अपलोड प्लगइन पे सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये फाइल पड़ी है एलिमेंटर प्रो की। अब एलिमेंटर प्रो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं
इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। और आपको एलिमेंटर प्रो अगर चाहिए तो मैं वहाँ से आपको दे दूँगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल एक्टिवेट कर दूँगा और हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स इस किट की कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम अपना डिज़ाइन सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर प्रो जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट एंड इंस्टॉल हो चुका है। वापस हम आएंगे यहाँ पे और इसको एक बार रीलोड करेंगे। ओके, यहाँ पे हम सक्सेसफुली इसको रीलोड कर चुके हैं। सिंपली यहाँ पे अगेन सेटिंग्स पे आएंगे, इनको चेक करेंगे। ये हाई टाइटल ऑलरेडी सिलेक्टेड है और एलिमेंटर फुल विड्थ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिंपल इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पे आएंगे और सबसे पहले ये वाली जो ग्लोबल किट स्टाइल है इसको इंसर्ट करेंगे। सिंपल इस पे मैंने क्लिक किया और ये क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। अगेन इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा होम पेज था। होम पेज के लिए हम यहाँ से होम पेज की जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो तरह के होम पेज थे, एक ये होम वन और ये होम टू। ये हम होम वन, ठीक है, वो होम टू था। तो यहाँ पे हम होम वन को इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये वाली जो डिज़ाइन है एग्जैक्टली एज इट इज़ होम पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और यही काम सेम हमें अबाउट और सर्विसेज और पोर्टफोलियो के ऊपर करना है। तो यहाँ पे अभी हम होम पेज को इंसर्ट कर रहे हैं, तो तब तक हम क्या करते हैं, वापस अपने पेजेस पे जाते हैं और यहाँ पे इसको भी एडिट करते हैं, अबाउट पोर्टफोलियो के भी एडिट करते हैं और सर्विसेज को भी एडिट करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम इसको एडिट विद एलिमेंटर, अगेन इस पेज को भी एडिट विद एलिमेंटर और इस पेज को भी एडिट विद एलिमेंटर। तो ये हमारे पास होम पेज जो है वो 39% इंसर्ट हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। इसका वेट कर लेते हैं जब तक ये कम्प्लीटली इंपोर्ट हो जाए। आपने ऐसा नहीं करना कि सब पे एक ही टाइम में ये सारी इंपोर्टिंग लगा देनी है, आपने जस्ट एक ही पेज के ऊपर इंपोर्ट लगाना है, राइट। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास होम पेज का जो डिज़ाइन है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब हम अभी पहले डिज़ाइन को सेटअप कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत कंटेंट की तरफ आएंगे। तो जल्दी से मैं अबाउट अस और बाकियों का भी सेम इसी तरह से सेटिंग्स, हाई टाइटल, एलिमेंटर फुल विड्थ और यहाँ से अबाउट की जो टेम्पलेट है या जो भी पेज आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसके जो टेम्पलेट है उसको इस तरह से आप इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हम अबाउट का करने लगे हैं, तो अबाउट को यहाँ से इस तरह से इम्पोर्ट कर लेंगे और इसी तरह पोर्टफोलियो और सर्विसेज का भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ इम्पोर्ट। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास होम भी अच्छे तरीके से सेटअप हो चुका है, होम का कंप्लीट डिज़ाइन। उसके बाद अबाउट का भी कंप्लीट डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पे सेटअप हो चुका है। सिमिलरली पोर्टफोलियो का भी, और यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज का ऑप्शन था। यहाँ पे हमारे पास हमने प्राइजिंग वाला जो है टेम्पलेट वो इम्पोर्ट किया था क्योंकि सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड टेम्पलेट मौजूद नहीं था। तो इसको हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे सर्विसेज को। और यहाँ पे हमारे पास होम पेज के ऊपर जो हमारी ये सर्विसेज मौजूद हैं इनको हम क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे सेटअप कर देंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले होम पेज का थोड़ा बहुत सेटअप कर लेता हूँ, पर उससे पहले हमें यहाँ पे देखें हमारे पास हेडर और फुटर जो है वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं है, तो उसको हम सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे। हम चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे देखें अपीयरेंस के अंदर या फिर यहाँ प्रीमियम एडवांस, तो यहाँ पे हम आएंगे सिंपल टेम्पलेट्स के अंदर और यहाँ पे थीम बिल्डर के अंदर। ये ऑप्शन आपको एलिमेंटर प्रो के होने तक ही मिलेगा। जब आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर एलिमेंटर प्रो जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपल मुझे क्लिक करना है हेडर के ऊपर। हेडर पे क्लिक करने के बाद, अच्छा तब तक ये हो रहा है, मैं एक बार दोबारा से डैशबोर्ड के अंदर जाना चाहूँगा और मैं क्विकली एक मेन्यू बनाना चाहूंगा जो कि हमने हेडर में शो करवाना है। मैं यहाँ पे इस तरह से वापस डैशबोर्ड में आऊंगा।
और यहाँ पे आऊंगा मेन्यूज के अंदर, अपेयरेंस के अंदर मेन्यूज। मेन्यूज में आने के बाद यहाँ पे मैं मेन्यू बनाऊंगा जिसका नाम मैं लिख दूंगा फाइनल मेन्यू, या कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। इसको मैं हेडर सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो भी पेजेस थे उनको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और सिंपल इनकी अरेंजमेंट में कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेटअप कर दूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। वापस मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये ओपन हुआ पड़ा है। इसको मैं कट कर दूंगा। कट करने के बाद यहाँ पे मुझे अगेन इस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपल मेरे पास यहाँ पे हेडर का ऑप्शन, ये देखिए टेम्पलेट मौजूद है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा जो हेडर है वो एग्जैक्टली एज इट इज क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और हमारे जो भी पेजेस हैं वो भी यहाँ पे शो हो चुके हैं। मैं इसको यहाँ से पब्लिश करूँगा, ऐड कंडीशन करूँगा, एंटायर साइट पे रहने दूंगा और सेव क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मुझे वापस जाना पड़ेगा डैशबोर्ड के अंदर और अब की बार मैं फुटर डिज़ाइन करने लगा हूँ। फुटर डिज़ाइन करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, थीम बिल्डर पे क्लिक करेंगे। थीम बिल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फुटर का, तो फुटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू, ओके इसको मैं अगेन कट कर दूंगा यहाँ से और यहाँ पे इसको ज़रा लोड होने दे और हमें यहाँ पे फुटर वाली टेम्पलेट अब की बार सेलेक्ट करनी है जिसको हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इस आइकन पे और अब की बार हम क्या करने लगे हैं फुटर वाली टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फुटर वाली टेम्पलेट है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा इम्पोर्ट के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास जो है फुटर इम्पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फुटर सेटअप हो चुका है, पब्लिश पे क्लिक करूंगा, ऐड अ कंडीशन, एंटायर साइट और यहाँ पे सेव कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास ये कम्प्लीट सेव हो चुका है। अगर अब हम अपनी वेबसाइट को फ्रंट एंड के ऊपर जाके देखें तो कुछ इस तरह से शो होगी हमारी वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रही है, राइट राइट नाउ हमारे हेडर एंड फुटर यहाँ पे शो नहीं हुए, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं उनको शो करने लगा हूँ अगेन। यहाँ पे देखें हमने रिलोड किया तो हमारे देखें हेडर और यहाँ पे हमारे पास फुटर भी अच्छे तरीके से शो हो चुके हैं। अब कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट का फाइनल लुक नज़र आ रहा है, देखें आप सर्विसेज का। और फिर हम यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाएंगे और यहाँ पे अबाउट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे। ओके वापस हम आ चुके हैं होम के ऊपर और यहाँ पे देखिए राइट, अब हमें कुछ चीज़ें सेटअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे मेन, अगर हम होम पे जाएं मेन के ऊपर जाएं तो हमारा जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ नाम चेंज करना है और यहाँ पे पिक्चर लगाना है जो कि मेन काम है। इन मेन काम को मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है, बाकी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है और वो आप खुद ही मैनेज कर पाएंगे। जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम होम पेज के इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहले ये नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा और बाकी सारी चीज़ें वैसे रहने दूंगा, इनको मैं बाद में अपडेट करूंगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आप अपने सोशल मीडिया ऐड कर सकते हैं। ओके अब हमारे पास जो बड़ा टास्क है वो ये है कि ये इमेजेस को रिप्लेस करना है, इस तरह की इमेज को रिप्लेस करना, राइट। तो मैं सबसे पहले चला जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखें एक इमेज मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखें ये एक इमेज मौजूद है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट इमेज नहीं है। डिज़ाइन के साथ हमारी एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो कोशिश करेंगे कि हम उसी तरह का टच देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा कन्वर्ट इमेज टू ब्लैक एंड वाइट। सिंपल मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस तरह से यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया, यहाँ पे मैं अपनी जो है इमेज अपलोड करूँगा। ये वाली इमेज आ गई मेरी। इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कन्वर्ट इमेज। ओके यहाँ पे हमारा ब्लैक एंड व्हाइट निकल के आई, इसको हमने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अब इसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे remove.bg और यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे देखिए हमें अपनी इमेज जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है या अपलोड कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारे जो इमेज का बैकग्राउंड है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। तब तक हम क्या कर लेते हैं, हमें अब इसको इस तरह से कुछ सेटअप करना है होम पेज के ऊपर यहाँ पे। तो ये तब तक प्रिपेयर हो रही है, यहाँ से ये डाउनलोड कर लेंगे इसको हम। ओके
ओके यहाँ पे देखें सक्सेसफुली जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेटअप करना है उसी इमेज के साइज़ के मुताबिक, जितना साइज़ ये है इस इमेज का साइज़ है उतना ही साइज़ की हमें ये चेंजेस करनी है। तो मैं उसका साइज़ किस तरह से बता करूँगा, वापस आ जाऊँगा मीडिया के अंदर। यहाँ पे देखें ये हमारे पास इमेज है और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो देखें 2000 पिक्सल ये टोटल इमेज का साइज़ है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कैनवा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं कैनवा के ऊपर चला जाऊँगा। कैनवा पर जाने के बाद मैं यहाँ पे एक कस्टम डिजाइन सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल 2000 by 2000 और यहाँ पे क्रिएट डिजाइन कर लूंगा और उस इमेज को यहाँ पे सेटअप करके उसके एडजस्टमेंट करके डाउनलोड कर लूंगा सिंपल। मैं यहाँ पे इसको अपलोड इमेज, यहाँ पे हमारे पास ये रिमूव बैकग्राउंड वाली इमेज मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटअप कर लूंगा। अब ये वाली जो नीचे की तरफ ये वाली जो चीजें हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, तो मैं इनको कुछ इस तरह से सेटअप कर लूंगा, इसको मजीद थोड़ा सा एडजस्ट करके। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेटअप हो चुकी है, इसको मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा और ये आपने जो है जेपीईजी के अंदर डाउनलोड करनी है और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके ये इमेज हमारे पास सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है, वापस हम जाएंगे और इस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ओके यहाँ पे हमारे पास फाइनल इमेज आ चुकी है, इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा सिंपल कुछ इस तरह से और यहाँ पे देखें हमारे पास इंसर्ट हो चुकी है ये इमेज और कुछ इस तरह से ये इमेज हमारे पास शो हो रही है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चेंजेस और करनी है, जैसा कि ये सर्विसेज का एरिया मुझे कुछ इस तरह से अच्छा लग नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट करूँगा। ओके यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो चुका है, इस वाले सेक्शन को मैं कम्प्लीटली नीचे वाले सेक्शन में से रिमूव कर दूंगा। ये वाला सेक्शन रिमूव हो चुका है, इसको अगेन मैं डुप्लीकेट कर दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से अच्छे तरीके से इवनली सर्विसेज मेरी जो है वो शो हो रही है। और यहाँ पे इस वाले सेक्शन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इस वाली स्पेसिंग को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, सेम इस वाले एलिमेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे सेंटर में कर दूंगा, इसको भी मैं क्या कर दूंगा सेंटर में कर दूंगा और इसको मैं क्या कर सकता हूँ बिल्कुल इसके नीचे रख सकता हूँ कुछ इस तरह से और इसकी जो विड्थ है उसको मैं कम कर सकता हूँ इसको सेंटर में रख के कुछ इस तरह से, राइट। तो और इसको भी मैं यहाँ से इस वाले कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। ओके अब कुछ इस तरह से हमारा जो लुक है वो निकल के आ रहा है बिल्कुल इवनली अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। ओके मैं इसको यहाँ से फिर से अपडेट कर देता हूँ। अब ये हमने कहा था कि हमारे पास सर्विसेज का पेज नहीं था, तो इस पूरे को हम कॉपी करेंगे इस सर्विसेज वाले को, यहाँ पे देखिए सर्विसेज यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली इसका दूसरा सेक्शन मुझे यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे सर्विसेज के बिल्कुल नीचे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास सर्विसेज का सेक्शन उसी तरह से सेटअप हो चुका है अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखिए प्राइसिंग्स भी आ रही है और सारी चीजें, और इसको मैं क्या कर दूंगा अपडेट कर दूंगा यहाँ से। तो ये हमारे पास हमारी पूरी वेबसाइट बन चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे विजिट वेबसाइट का पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट शो हो रही है, जबकि हमने क्योंकि होम पेज को होम पेज सेट किया नहीं है। वो किस तरह से करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आएंगे, रीडिंग के अंदर आएंगे, रीडिंग के अंदर आने के बाद स्टैटिक पेज और यहाँ से हम अपना होम पेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। अब जब हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करेंगे विजिट वेबसाइट, तो देखें बिल्कुल कम्प्लीटली हमारी वेबसाइट
रेडी हो चुके एग्जैक्टली एज इट इज जैसा कि हम चाह रहे थे, राइट। अब इसके अंदर हमने अपने जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे देखें ये वाली कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिंपल आपने एडिट करके डाल लेनी है। अगर आपने ये वाले हेडर को चेंज करने एडिट करना है तो सिंपल देखें यहाँ पे माउस लाएंगे तो ये हेडर है, अगर इसमें कोई चीज चेंजेस करनी है, ये लोगो चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक होवर करके और यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे तो इसका एडिटर ओपन हो जाएगा। अगर फुटर में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं इस वाली जगह पे तो आप सिंपल यहाँ पे होवर करेंगे और यहाँ पे फुटर पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये फुटर वाला एडिटर ओपन हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली इस पे डायरेक्टली एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आप इस दरमियान वाली चीज़ों में से कुछ भी चीज़ें चेंज और एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से हमने पूरी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर ली है और यहाँ पे हमारे पास देखें सर्विसेज का ऑप्शन है और बाकी हैं पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे पास देखें पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, राइट, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास अबाउट है और यहाँ पे अब एक चीज़ रह गई है वो है ये वाला इस आइकन लेट्स टॉक। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जब कोई क्लिक करे तो मुझे वो डायरेक्टली कॉल कर सके तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस डैशबोर्ड के अंदर जाऊँगा और अपने मेन्यूज़ के अंदर जाऊँगा, सॉरी मेन्यूज़ के अंदर नहीं जाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे हेडर को एडिट करूँगा सिंपल। ओके, यहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पे देखें हमारे पास लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से लिखना है टेल और यहाँ पे ये आइकन और इसके आगे आपने अपना नंबर लिखना है जो भी आप चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक डमी नंबर लिख देता हूँ। ओके, इसको मैंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद अगर अब मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करूं और यहां पे देखें जैसे इस पे क्लिक करूं तो ये मुझे कॉल की तरफ ले जा रहा है डायरेक्टली कि आप कॉल करना चाह रहे हैं तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। स्काइप से अगर मोबाइल से कोई क्लिक करेगा तो कॉल डायरेक्टली हमारे मोबाइल पे चली जाएगी। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया किस तरह से आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। इसके रेलिवेंट जो भी रिसोर्सेज मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके वो चीज़ें डाउनलोड करके अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आप किसी और तरह की वेबसाइट बनाना सीखना चाह रहे हैं तो आप सिंपली नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वेबसाइट बना के दूंगा आप लोगों को और उसके रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अभी तक पसंद आ रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी नई वेबसाइट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।